दोस्तों, ये मेरे पास रियलमी एक्सटी मोबाइल और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ रियलमी एक्सटी मोबाइल का 30+ हिडन फीचर या फिर टिप्स एंड ट्रिक्स भी बोल सकते हो। तो रियलमी एक्सटी मोबाइल का मैंने अनबॉक्सिंग कर दिया था, बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी बना दिया। अगर अभी तक नहीं देखो मेरे चैनल पर, वो वीडियो आप देख सकते हो। और मेरे चैनल पर गिव अवे चल रहा है रियलमी वायरलेस बड्स का। अभी तक आपने पार्टिसिपेट नहीं किया तो जल्दी से कर लो, कि वो वाला वीडियो आपको आई बटन पर या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इसका जो हिडन फीचर टिप्स एंड ट्रिक्स का बात कर रहे हैं वो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला टिप्स जो मैं बताऊंगा, आप स्मार्ट असिस्टेंट्स में जाएं, यहाँ पर क्विक फंक्शन बोल के बहुत सारे ऐप्स मिल जाएगा। गूगल और ऐप मार्केट को छोड़ के स्कैन डॉक्यूमेंट बोल के एक ऐप दिया गया है रियलमी की तरफ से, जिसमें आप कोई भी डॉक्यूमेंट स्कैन कर सकते हो कैम स्कैनर के छोड़। अभी तो कैम स्कैनर ब्लॉक कर दिया गया है, लेकिन स्कैन डॉक के साथ आप बहुत सारे चीज़ ऐसे ही स्कैन कर सकते हो। स्कैन का क्वालिटी भी बहुत अच्छा होता है। उसके बाद फ़ोटो ट्रांसलेटर बोल के एक ऐप दिया गया है यहाँ पर, जिसमें कोई भी फ़ोटो को ट्रांसलेट कर सकते हो, जैसे गूगल का लेंस करता है ऐसे ही। तो अगर कोई न्यूज़पेपर के ऊपर रख के आप कन्वर्ट करना चाहते हो, उसका लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना चाहते हो, तो आसानी से ये कर सकते हो। ये बहुत बढ़िया फीचर यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद स्कैन कार्ड बोल के जो ऑप्शन है, इसमें आई कार्ड का जो बार कोड है उसके स्कैन करके आपको डिटेल्स मिल सकते हैं। उसके बाद कन्वर्ट करेंसी बोल के एक ऑप्शन दिया गया है, जहाँ पर आप आपका जो एक्सचेंज रेट कैलकुलेटर ये सारी चीज़ मिल जाएगा, और करेंसी क्या चल रहा है US डॉलर के साथ, इंडियन रुपीज, सभी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये भी एक अच्छा फीचर। तो बस यहाँ पर सीन स्मार्ट सर्विस बोल के ऑप्शन दिया गया है, जिसमें आप कोई भी नोट रख सकते हो और आपको रिमाइंड दिलाएगा क्या आ रहा है क्या जा रहा है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिया जाएगा। उसके बाद स्ट्रिप टेकर बोल के एक ऑप्शन दिया गया है रियलमी की तरफ से, जिसमें आपको कोई भी गूगल फीट ऐप यूज़ नहीं करते हुए भी आपको कितना पैदल किया, कितना स्टेप आप आज पैदल किया, वो सारे डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जो कि बहुत ही बढ़िया फीचर यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद मैच बोल के ऑप्शन है, जैसे गूगल में आता है मैच क्या डेट है, आज क्या मैच का स्कोर चल रहा है, सारे डिटेल्स यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो। ये सारे फीचर आपको यहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम सेटिंग्स में जाएँ तो बहुत सारे फीचर आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो पहले आप अदर्स वायरलेस कनेक्शन में जाइए, यहाँ पर पर्सनल हॉटस्पॉट्स में जाइए, यहाँ पर का हॉटस्पॉट क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर कनेक्शन मैनेजमेंट बोल के जो ऑप्शन है, यहाँ पे जाके आप ब्लैकलिस्ट कर सकते हो, डेटा रिस्ट्रिक्शन कर सकते हो, स्पीड रिस्ट्रिक्शन भी कर सकते हो, अगर आपका हॉटस्पॉट किसी को दिया है तो वो कितना KB के साथ यूज़ करेगा, कितना MB के साथ यूज़ करेगा, वो सारे चेक आप यहाँ पर कर सकते हो। और कुछ लोगों का ब्लॉक कर सकते हो, डेटा रिस्ट्रिक्शन कर सकते हो, 100 MB, 200 MB, 10 MB, 20 MB, ये भी आप सिलेक्ट करते हो। तो हॉटस्पॉट कनेक्शन मैनेजमेंट बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर आपको मिल जाएगा, जो कि बहुत सारे मोबाइल पे आपको नहीं मिलता, ये फीचर यहाँ पर इनेबल किया गया है। उसके बाद यहाँ से आप स्क्रीन कास्ट भी कर सकते हो, आपका ये वाला ऑप्शन भी यहाँ पर दिया गया है। अगर कोई एंड्रॉयड TV, स्मार्ट TV हो या फिर लैपटॉप में अगर आपका डिस्प्ले कास्ट करना चाहते हो, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, वो भी अदर्स वायरलेस कनेक्शन में। तो अदर्स वायरलेस कनेक्शन में जाने के बाद स्क्रीन कास्ट ऑप्शन में जाके ये इनेबल करना होगा, तो आपका लैपटॉप, PC या फिर कोई भी स्मार्ट TV हो जिसमें आप ये डिस्प्ले कास्ट कर सकते हो, ये वाला ऑप्शन भी यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद नोटिफिकेशन स्टेटस पर में जाएंगे तो बैटरी परसेंटेज, रियल टाइम नेटवर्क स्पीड टेस्ट, ये सारे चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद रियलमी एक्सटी में एक एक्स्ट्रा फीचर रियलमी की तरफ से दिया गया है, जो आपको कोई फ़ोन में अभी तक नहीं मिलेगा, रियलमी 5 में शायद ये आ चुका है, डिजिटल वेलबिंग। तो डिजिटल वेलबिंग यहाँ पर आ चुका है, जहाँ पर आपको डिटेल्स मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर आप कितना टाइम अनलॉक किया हो फ़ोन को, क्या क्या ऐप यूज़ किया हो फ़ोन को, सारे चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। स्क्रीन टाइम कितना है, सारे चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आप कॉल कितना यूज़ किया था, पबजी मोबाइल कितना टाइम खेला था, क्या ऐप कितना टाइम यूज़ किया था। तो डिजिटल वेलबिंग एक अच्छा फीचर है, जो अभी सभी मोबाइल में धीरे धीरे आ रहा है एंड्रॉयड 5 के साथ से। और पैरेंटल कंट्रोल बोल के भी एक फीचर दिया गया है, जो कि बिल्कुल सा नया है इस मोबाइल पे। इसमें क्या होता है, आप अगर आपका बच्चा मोबाइल यूज़ करते हैं, आप कोई किड से वो मोबाइल यूज़ करते हो और आप उसको ट्रैक करना चाहते हो, तो यहाँ पर आप उसका गूगल अकाउंट ऐड करेंगे और वो आप उनका मोबाइल में क्या क्या यूज़ कर रहा है टोटली आप ट्रैक कर सकते हो, फिल्टर कर सकते हो, सारे चीज़ आपको यहाँ पर ऐड कर सकते हो, और आपका बच्चा का जो मोबाइल है वो टोटली ट्रैक कर सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर स्क्रीन ऑफ क्लॉक में आओगे तो यहाँ पर इसको इनेबल कर देने से आपको यहाँ पर ऑलवेज AMOLED स्क्रीन है, तो आपका स्क्रीन क्लॉक यहाँ पर दिखा देगा। देख सकते हो यहाँ पर स्क्रीन ऑफ टाइम में आप स्क्रीन क्लॉक यहाँ पर देख सकते हो। तो ये वाला ये ऑप्शन यहाँ पर बाय डिफॉल्ट दिया गया है, स्क्रीन ऑफ क्लॉक यहाँ पर ऐड कर सकते हो। उसके बाद फॉन्ट साइज आपके अपने हिसाब से कर सकते हो, डिस्प्ले साइज भी अपने हिसाब से कर सकते हो, ये वाला ऑप्शन भी दिया गया है। और नाइट साइड मोड बोल के जो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, इसमें आपको ब्लू लाइट फिल्टर करते हैं और आपको आँखों के लिए जो बहुत ही
अच्छा, तो यहाँ पर इनेबल नाउ करने से ये टोटली येलो कलर का हो जाएगा और ब्लू कलर टोटली फिल्टर हो जाएगा। और यहाँ पर एक चीज़ आपको देखना है, अभी तो यहाँ पर डार्क मोड नहीं आया है, लेकिन इसी मदद से आप डार्क मोड भी कर सकते हो पोर्टेबल नाइट टाइम रीडिंग ऑन करके। तो नाइट टाइम ये जब रीडिंग ऑन कर देगा तो आप ये फ़ोन डार्क मोड में चला जाएगा और आप ये सारे चीज़ यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। तो ये वाला ऑप्शन भी यहाँ पर दिया गया है। पर लो ब्राइटनेस फ्लिकर फ्री आई केयर भी यहाँ पर दिया गया है। अगर ये आप इनेबल करोगे तो लो ब्राइटनेस में जो स्क्रीन फ्लिकर होता है उसके मदद से आपको जो आँख का प्रॉब्लम होता है वो यहाँ पर कम हो जाएगा। OSI विजन इफेक्ट बोल के भी एक फीचर दिया गया है, जिसमें कुछ ऐप यहाँ पर अभी सपोर्ट करता है, जिसमें आपको कलरफुल बना सकते हो इसके मदद से। तो ये वाला ऑप्शन भी रियलमी एक्सटी में यहाँ पर मिल जाएगा। इसके बाद होम स्क्रीन या लॉक स्क्रीन मैगजीन में आप जाओगे तो यहाँ पर बहुत सारे चीज़ आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपको होम स्क्रीन ड्रॉअर मोड या फिर स्टैंडर्ड मोड कर सकते हो, अगर आपका जो मर्जी वो कर सकते हो। अगर आप ड्रॉअर मोड अच्छा नहीं लगता स्टैंडर्ड मोड भी कन्वर्ट कर सकते हो। उसके बाद होम स्क्रीन लेआउट सेलेक्ट कर सकते हो, 4:6 या फिर 5:6 रहेगा ये सिलेक्ट कर सकते हो। आइकॉन ऑटो फिल कर सकते हो। स्टार्ट अप एंड क्लोजिंग एनिमेशन स्पीड जो होता है ऐप का वो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो फास्ट स्टैंडर्ड स्लो बोल के। लॉक स्क्रीन मैगजीन यहाँ पर आपको इनेबल कर सकते हो, एक्चुअली इनेबल रहता है बाय डिफॉल्ट, लेकिन आप यहाँ पर अपडेट करने से नया नया लॉक स्क्रीन मैगजीन यहाँ पर आ जाएगा। और अगर आप लॉक स्क्रीन मैगजीन में आप खुद का फोटो लगाना चाहते हो तो मेरा एक वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, आप वो वीडियो देख सकते हो। रियलमी 2 प्रो में मैंने दिखाया था सभी मोबाइल में रियलमी का वो काम करता है। तो आपका खुद का फोटो आप लॉक स्क्रीन मैगजीन में यहाँ पर लगा सकते हो। उसके बाद यहाँ पर सेट थीम तो आपको पता है ऐड कर सकते हो, वॉलपेपर भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो। उसके बाद अगर साउंड एंड वाइब्रेशन में जाए यहाँ पर तो सारे चीज़ आपको पता है रिंगटोन फिंगटोन सेलेक्ट करने का। लेकिन यहाँ पर तो यहाँ पर डॉल्बी एटम साउंड दिया गया है, जो कि एक बहुत बढ़िया फीचर है रियलमी एक्सटी में। यहाँ पर स्मार्ट मूवी गेमिंग यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो, म्यूजिक को और भी क्वालिटी से आप सुन सकते हो इस डॉल्बी एटम की मदद से। उसके बाद हेडफोन मॉनिटर भी यहाँ पर दिया गया है, जिसमें आपको लाइव गाना को कड़क मोड में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर हेडफोन आप यूज़ करते हो तो ये वाला ऑप्शन भी यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद डू नॉट डिस्टर्ब बोल के जो ऑप्शन है यहाँ पर आए, अगर इसको इनेबल कर दे तो आपको कोई भी फ़ोन या फिर कोई भी मैसेज कोई भी नोटिफिकेशन यहाँ पर नहीं आएगा। तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, ये इनेबल नाउ मैनुअली कर सकते हो या फिर आप शेड्यूल टाइम में भी सिलेक्ट कर सकते हो, जब आप सोते हो या फिर कुछ काम करते हो तब का आप कोई फ़ोन ना आ जाए, इसीलिए ये किया गया है। तो ये ऑप्शन में एक चीज़ आप डू नॉट डिस्टर्ब ऑन करने के बाद आप चाहो तो आपका खुद का पर्सनल नंबर का कॉल ले सकते हो, पर्सनल नंबर का नोटिफिकेशन ले सकते हो, ये सारे सिलेक्ट आप यहाँ पर कर सकते हो, ये वाला ऑप्शन भी यहाँ पर मिल जाएगा। तो डू नॉट डिस्टर्ब एक अच्छा फीचर यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद अगर फिंगरप्रिंट और पासवर्ड में जाएंगे तो यहाँ पर सभी चीज़ यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है फिंगरप्रिंट फेशियल कॉम्बिनेशन अनलॉक, तो ये वाला चीज़ में बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट। तो यहाँ पर लॉक स्क्रीन पासवर्ड में एक चीज़ आपको कहना चाहता हूँ, देखिए मेरा यहाँ पर 4 डिजिट का लॉक स्क्रीन पासवर्ड क्या है, लेकिन बाय डिफॉल्ट क्या होता है 6 डिजिट का ऑप्शन यहाँ पर रहता है। तो अगर आप चाहो तो यहाँ पर 4 डिजिट भी कर सकते हो, पैटर्न लॉक भी कर सकते हो। उसको लिए क्या करना है, यहाँ पर मॉडिफाई पासवर्ड में जाइए और यहाँ पर जब आप ये देखो बाय डिफॉल्ट ऐसा स्क्रीन आता है 6 डिजिट का, तो यहाँ पर आप क्लिक कीजिए अदर इनक्रिप्शन मेथड, यहाँ पर पैटर्न कोड 4 डिजिट 4 to 16 डिजिट पासवर्ड विथ 4 to 16 अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर में भी यहाँ पर कर सकते हो। तो ये वाला ये ऑप्शन भी यहाँ पर मौजूद है। स्मार्ट सर्विस में स्मार्ट ड्राइविंग बोल के एक ऑप्शन मिल जाएगा। स्मार्ट असिस्टेंट तो मैंने पहले ही दिखाया था, तो स्मार्ट ड्राइविंग मोड में जाके आप ड्राइविंग मोड और राइडिंग मोड ऑप्शन मिल जाएगा। ड्राइविंग मोड में आपका कार में कोई भी ब्लूटूथ एक्सेसरीज होगा तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा, अगर पहले बार आप कनेक्ट कर दोगे तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पर दिया है। और राइडिंग मोड में अगर आप साइकिलिंग करोगे तो कॉल के अलावा कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएगा और आपको कोई भी एक्सीडेंट होने से ये बचाता है, तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद कन्वीनियंस ऐड में बहुत फीचर आपको मिलेगा, जैसे नेविगेशन की को आप अपने हिसाब से कर सकते हो, ये जो लेफ्ट होम रिसेंट वाला ऑप्शन है आप इंटरचेंज कर सकते हो, 2 ऑप्शन लेके आ सकते हो, ये सारे चीज़ यहाँ पर मौजूद है। और भार यहाँ पर ये जो वर्चुअल की है इसको भी हाइड कर सकते हो ये इनेबल करके, तो ये हाइड हो जाएगा और आपको फिर ऐसे करके उठाना होगा। तो ये वाला यहाँ पर है। और आप स्वाइप गेस्चर फ्रॉम बोथ साइड कर सकते हो, बैक इधर से, तो आपको ये वाला ऑप्शन नहीं रहेगा। गेस्चर मोड भी ऑन कर सकते हो, स्वाइप आप गेस्चर भी कर सकते हो, ये वाला ऑप्शन भी यहाँ पर दिया गया है। आप चाहे तो गेस्चर यूज़ कर सकते हो, ये वाला ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। एसिस्टेबल में यहाँ पर इनेबल करने से यहाँ से एक ऑप्शन आपको आ जाएगा, जहाँ पे आप बैक में जा सकते हो, सारे चीज़ आप कर सकते हो यहाँ पर।
और कुछ एक्स्ट्रा फीचर भी आपको एसएसडी बल्ब पे मिल जाएगा, जो इस मोबाइल को शॉर्टकट बहुत अच्छा बनाता है। उसके बाद स्मार्ट स्लाइड बार जो होता है वो वाला ऑप्शन रियलमी की तरफ से रहता है, कलर 5.2 में था, कलर 6 में था, तो आप चाहे तो इसका इंटरचेंज कर सकते हो। यहाँ पर गेस्टर्न एंड मोशन में आप एक बहुत अच्छा अच्छा फीचर है, यहाँ पर आपको बता देता हूँ मैं। स्क्रीन ऑफ गेस्टर इनेबल कर देने से स्क्रीन ऑफ के टाइम अगर आप वो टैप करोगे, वो यहाँ पर लिखोगे तो इनेबल कैमरा हो जाएगा, भी लिखोगे तो फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगा। यहाँ पर म्यूजिक कंट्रोल कर सकते हो, राइट एरो लेफ्ट एरो करके नेक्स्ट प्रीवियस कर सकते हो, पॉज टाइप करके गाना को पॉज कर सकते हो, ये वाला ऑप्शन यहाँ पर कर सकते हो, और बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। क्या ड्रॉ करने से क्या होगा ये चीज़ आप यहाँ पर कर सकते हो। उसके बाद स्मार्ट कॉल बोल के जो ऑप्शन है ये एक बहुत बढ़िया फीचर है। यहाँ पर ऑटो आंसर हो इन फोन इज नियर यार करने से फ़ोन आने के टाइम फ़ोन रिसीव नहीं करते हुए अगर आप कान के पास फ़ोन लेके जाओगे तो ऑटोमेटिकली रिसीव हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन है। मोड स्विचिंग ड्यूरिंग कॉल अगर इनेबल कर दो तो अगर आप फ़ोन पे स्पीकर में बात कर रहे हो उसी टाइम आप कानों के पास ये फ़ोन लेके आओगे तो ऑटोमेटिकली ये आर स्पीकर में चला जाएगा, ये ऑप्शन यहाँ पर है। और फ्लिप टू इनकमिंग कॉल अगर इनेबल कर दो तो आप अगर कोई मीटिंग में हो, कुछ काम कर रहा हो, उसी टाइम अगर फ़ोन आएगा तो फ़ोन ऐसे फ्लिप कर देने से ये एडिंग टू ऑटोमेटिकली म्यूट हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन भी यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद थ्री फिंगर स्क्रीन शॉट यहाँ पर बाय डिफॉल्ट इनेबल किया गया है, जिसमें आप थ्री फिंगर से स्क्रीन शॉट ले सकते हो मेरी तरह। उसके बाद रेस टू टर्न ऑन स्क्रीन बाय डिफॉल्ट किया गया है, सुपर एमोलेड है इसीलिए क्योंकि इन डिस्प्ले फिंगर प्रिंट है, तो फ़ोन को हाथ लगाते हुए ये स्क्रीन ऐसा ही ऑन हो जाएगा और इन डिस्प्ले फिंगर प्रिंट का ऑप्शन भी आपको यहाँ पर दिखा देगा, तो ये ऑप्शन भी यहाँ पर दिया गया है। तो अगर हम सिक्योरिटी में जाएँ, सिक्योरिटी में कलर सिक्स की तरफ से बहुत एक्स्ट्रा फीचर यहाँ पर मिलेगा। जैसे परमिशन बोल के जो होता है यहाँ पर आप देख सकते हो किसके क्या परमिशन दिया गया है, ये चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हो। उसका फाइंड माय डिवाइस जो गूगल के पास से रहता है वो वाला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन प्रोटेक्शन बोल के यहाँ पर अगर ऑन कर दो तो आपका जो पर्सनल डेटा है वो लीकेज नहीं होगा। पेमेंट प्रोटेक्शन में अगर जाओगे तो जो ऐप है एनवायरनमेंट सिक्योरिटी में एक ऑप्शन है जहाँ पर जितने सारे पेमेंट ऐप है यहाँ पर इनेबल कर दो तो पेमेंट के टाइम कोई भी किलोगार्ड या फिर कोई तरीके से खतरा से आप यहाँ पर पा सकते हो ये ऑन कर देने से। ये वाला यहाँ पर क्या किया गया, इमरजेंसी स्विच तो आपको पता है, ये पावर ऑन ऑफ स्विच 3 बार दबाने से ऑटोमेटिकली कॉल 112 में चला जाएगा, ये वाला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। एंटी हैरेसमेंट बोल के एक ऑप्शन दिया गया है जहाँ पर आप कॉल ब्लैक लिस्ट कर सकते हो, व्हाइट लिस्ट कर सकते हो, कॉल ब्लॉक कर सकते हो, ब्लॉक मैसेज कर सकते हो, ब्लॉक नोटिफिकेशन कर सकते हो, ये वाला ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद सेशन ब्लॉकिंग यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है, कैरियर को ब्लॉक कर सकते हो, कोई भी एक जगह में जाके आप वही उसी का कैरियर अगर आप नहीं यूज़ कर सकते हो तो यहाँ पर यह चीज़ भी आप इनेबल कर सकते हो। उसके बाद ऐप इनक्रिप्शन ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, जिसमें आप कोई भी थर्ड पार्टी ऐप के नहीं मदद लेते हुए आप यहाँ पर जितने सारे ऐप हैं उसको इनक्रिप्ट कर सकते हो फिंगरप्रिंट से या फिर फेस अनलॉक से। सर किड स्पेस बोल के ऑप्शन दिया गया है, जैसे पेरेंटल कंट्रोल में था ऐसा ही एक ऑप्शन, जिसमें आपका फ़ोन जब आप किड्स में दोगे, किड्स को दोगे तो यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन सा ऐप कितने टाइम यूज़ करेगा, कौन सा ऐप खुल सकते हैं, कौन सा ऐप नहीं खुल सकते, आप वो सेलुलर डेटा यूज़ करेगा या नहीं करेगा, और ड्यूरेशन अलाउड इच टाइम कितने मिनट तक वो यूज़ करेगा, ऐप कौन कौन सा ऐप आप अलाउ कर सकते हो, सारे चीज़ें आप ऐड करके एंटर किड्स स्पेस में जाकर आपका बच्चा दोगे तो वो कुछ गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते मोबाइल में, ये ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। प्लस बैटरी में अगर जाएंगे तो बैटरी में यहाँ पर कितना टाइम स्क्रीन ऑन है ये वाला ऑप्शन यहाँ पर आप देख सकते हो, ये वाला ऑप्शन यहाँ पर ऐड किया गया है, ये चीज़ आपको मिल जाएगा। और डिजिटल लिविंग हम तो हमने दिखा दिया। एडिशनल सेटिंग्स में अगर जाओगे तो यहाँ पर रैम कितना फ्री है इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अगर आप OTG इनेबल करना चाहते हो तो OTG इनेबल यहाँ पर ऑन करना होगा, उसके बाद ही आप OTG यहाँ पर लगा सकते हो। उसके बाद बैकअप एंड रिसेट में अगर जाओगे तो यहाँ पर जाके आप फोन रिस्टोर बैकअप कर सकते हो, फैक्ट्री रिसेट कर सकते हो, सारी चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हो, ये वाला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। और एक्सेसिबिलिटी के अंदर बहुत सारे फीचर आपको मिल जाएगा जो कि बहुत अच्छा काम का है। यहाँ पर ऐप स्प्लिट स्क्रीन बोल का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, अगर 3 फिंगर से आप ऐसे ऊपर में लेके जाओगे तो ये ऐप स्प्लिट हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 ऐप आप सिम्यूलेटिवली काम कर सकते हो, तो ये वाला ऑप्शन भी यहाँ पर दिया गया है, ये आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर गेम स्पेस ऑप्शन इनेबल किया गया है, जिसमें गेम को और आज भी अच्छा बनाता है और गेम खेलने का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छा हो जाता है। यहाँ पर ऐप क्लोनर बोल के जो ऑप्शन है यहाँ पर दिया गया है, इसमें कुछ ऐप को आप डुअल ऐप कर सकते हो, अभी ज़्यादा से ज़्यादा ऐप नहीं होता है लेकिन कुछ ऐप यहाँ पर डुअल ऐप बना सकते हो, धीरे धीरे ये सभी आपको सपोर्ट करेगा, ये भी यहाँ पर पता दिया गया है।
उसके बाद अगर आप स्क्रीन रिकॉर्ड करना चाहते हो आपका मोबाइल पे, तो आप यहाँ पर नोटिफिकेशन पैनल में जाके आपको सिलेक्ट करना होगा ये वाला चीज़। उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा स्टार्ट स्क्रीन रिकॉर्ड, स्टार्ट स्क्रीन रिकॉर्ड यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद अगर आप कॉल रिकॉर्डिंग करना चाहते हो, कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। कॉलिंग में जाइए, सेटिंग्स में जाइए, सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर आपको कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। ऑटो कॉल रिकॉर्ड कर सकते हो, रिकॉर्ड ऑल अननोन नंबर कर सकते हो, ये चीज़ आप यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद फ्लैश ऑन कॉल बोल के एक ऑप्शन नया दिया गया है, अगर इसको इनेबल कर दो तो कोई भी कॉल आएगा तो यहाँ पर जो फ्लैश लाइट है वो ब्लिंक करेगा, जैसे सैमसंग का मोबाइल करता है, ये वाला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। तो दोस्तों यही है 30 प्लस फीचर जो इस रियलमी XT को बहुत ही बेहतर बनाता है। अगर आप ये सारे चीज़ यूज़ करते हो तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, इस मोबाइल में इतना सारे फीचर आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों यही था रियलमी XT का 30 प्लस फीचर का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल पर नया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो रोज़ लेकर आता हूँ। तो दोस्तों इतना ही, बाय।